लीनियर प्रोग्रामिंग में टॉपिक चला ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, वीडियो नंबर है 12। क्वेश्चन इसमें मेथड टू फाइंड एन इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन में मेथड नंबर फर्स्ट है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, उसमें न्यूमेरिकल चल रहा है। न्यूमेरिकल है हमारा यूज द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में टू डिटरमाइन एंड द इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, जो टेबल बना है ये क्वेश्चन है। ठीक, अब इसमें आप देख सक रहे हैं कि किस तरह का मैट्रिक्स बना हुआ है। सॉल्यूशन करने के लिए हमको मैट्रिक्स देखना पड़ेगा। रो कितनी है, 3 है, 3 रो है एंड कॉलम है 4। ठीक है, यानी कि 3 बाई 4 आर बाई सी होता है, यानी कि मैट्रिक्स जो लिखा है आर बाई सी, यानी 3 बाई 4 का मैट्रिक्स इसमें हमको बनाना पड़ेगा। 3 रो हो और 4 कॉलम हो, बन गया। ठीक है, यही होगा। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के अकॉर्डिंग जो इनिशियल एलिमेंट यानी कि जो सेल 1-1 होता है यहाँ पे लिखा जाता है, ये होगा सेल 1-1। सेल 1-1 में 13 है, ठीक है ना, 13 आप देख रहे होंगे, और इसका जो अमाउंट 2 है एंड ये आप देख रहे होंगे 3 है। जो इसमें मिनिमम होगा वो है 2, यानी कि 2 इसका लिया जाएगा। एंड फोर सेल सेल 1-1 के लिए यानी कि x11 इक्वल टू होगा 2। ठीक है, x11 इक्वल टू 2। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आगे ये बताना है कि सेल 1-2 लेना है कि 2-1 लेना है। देखिए यहाँ पर ग्रेटर है तो ये नहीं लिया जाएगा, सेल 2-1 में नहीं जाएंगे, तो इस बार हम जाएंगे सेल 1-2 में। पिछले क्वेश्चन में इधर पहुँचे थे, वहाँ मिनिमम था, यानी कि हमको लेना है सेल सेल 1-2। ठीक है, सेल 1-2 में जो एलिमेंट है वो है 11। अवेलेबल है यहाँ, ये है 3 है और वो क्या था, 2 था। ठीक है, 2 था, अब 3-2 चल रहा है। बट जो क्वेश्चन को देखते हुए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन में जो क्वांटिटीज है, सेल 2-1 2-1 में देख सकते हैं यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 था, तो सब्ट्रैक्टिंग करने के बाद ही तो आएगा। यानी कि 3 माइनस 2 1, यानी कि 1 इसमें से सब्ट्रैक्टिंग होने के बाद लिया जाएगा, 3 माइनस का 2 1। तो उनका जो डिफरेंस है वो 1 लिया जाएगा, या ये मान लीजिएगा कि वो छोटी क्वांटिटीज थी जो इनिशियली में लिया गया था। इनिशियली में जो लिया गया था वो था 2, वो था मतलब 2 लिया था। ठीक है, तो ऐसे ही उनको सब्ट्रैक्टिंग करके रखना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट में से क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 2 को सब्ट्रैक्ट किया, जैसे 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 तो अमाउंट लिया है नहीं जाएगा, तो क्या लिया जाएगा, 1 लिया जाएगा। 0 और 1 की बात आ गई, अगर 1 या उससे ग्रेटर होता तो 1 भी स्मॉल हो जाता, बहुत ही स्मॉल, तो 1 को नहीं लिया जाता। तो यहाँ पे क्या बन रही है, एक तो 0 हो जाएगी 2 माइनस 2 और 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिया जाएगा। ठीक है ना, ये 0 0 कोई अमाउंट होता नहीं है, इसकी बात हो चुकी है। यानी कि 4 सेल हम लिख सकते हैं सेल 1-2 के लिए, यानी कि x 1-2 इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, x 1-2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब बात आती है, इस वाली सेल ले नहीं पाएंगे, यानी लूप में 2 ही ली जाती हैं, किसी कॉलम में है किसी रो में, यहाँ लेना पड़ेगा 2-1-2-2। तो ये बात आती है सेल 2-2 के लिए, सेल 2-2 लिया जाएगा, ये नहीं ले पाएंगे क्योंकि इसमें 3 हो जाएगा, फिर ये लेना पड़ेगा, ये लिया जाएगा फिर सेल 2-3, और उसके बाद ये लास्ट हो जाएगा, इधर नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि इसमें फिर 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा लास्ट, ये हो जाएगा सेल 3-1-3-2, सेल 3-3-1-3-2-3-3-3-3। ठीक है, 3 चीज़ें इसमें और फाइंड करना है, यानी कि एक तो सेल 2-2, सेल 2-3 एंड सेल 3-3, दो 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 क्वांटिटीज निकल चुकी हैं, 3 और निकालनी बाकी हैं, उसके बाद अमाउंट आ ही जाएगा। अब सेल 2-2 का जो है ये है 14 है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है 6 है और यहाँ पे है 3,
पिछले वाले में अमाउंट वन बना था, यानी यहाँ पे अमाउंट वन बना था, 6 माइनस का 1 5 एंड 3 माइनस का 1 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मिनिमाइज है वो हमारी जो कंडीशंस बन रही है टू टू के लिए, जो मिनिमाइज कंडीशन बन रही है वो बन रही है 3 माइनस 1 2। पिछले वाले में वन बना है तो वन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज था, है ना। तो वन जो अमाउंट है वो सब्ट्रैक्टिंग नहीं लिया जाता, बहुत छोटा क्वांटिटीज होती है, ठीक है। यानी कि अगर ओनली वन और उससे अपर कुछ होता तो वन को छोड़ा जाता, उसके ऊपर का लिया जाता, परंतु जीरो और वन था तो इसलिए वन को लिया गया था। तो इसलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग भी नहीं होता है। जब सब्ट्रैक्टिंग नहीं होगा तो इसमें मिनिमम 3 होगा, यहाँ पे 6 है, तो 3 6 में से जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा 3 लिया जाएगा, ठीक है। तो 14 के साथ आएगा 3, यानी कि सेल 22 के लिए x22 इक्वल टू हो जाएगा 3, जो इसका मैक्सिमम अमाउंट माना जाएगा वो माना जाएगा 3, ठीक है। अब भाई इसकी बात ख़त्म हुई, अब बात आती है अगले वाले के लिए। अगला वाला यानी कि देख सकते हैं आगे, यानी कि यहाँ पे जाना है सेल 23 के लिए। 23 में जो एलिमेंट है वो 12 है, ठीक है, 12 है। एंड आप देख सकते हैं 12 है और सेल 23 में अगर पीछे में 3 आया है, 3 अगर इससे सब्ट्रैक्टिंग करते हैं तो 3 आ जाएगा। नहीं भाई, कहीं तो मिस्टेक हुई है। अगर 2 सब्ट्रैक्टिंग कर दें तो 2 आ जाएगा, एक कहीं पॉइंट गड़बड़ हो चुका है। रूल के अकॉर्डिंग जैसे हम चल रहे हैं, सेल 22 लाओ, सेल 22 में ही सुधार करते हैं, ठीक है। जैसे सेल 22 था ये वाला, इससे पहले 1 आया था अमाउंट, तो 1 6 एंड 3 माइनस का 1 2 एंड 6 माइनस का 1 5, तो इसका जो मिनिमाइज 2 लिया जाएगा। चलो उसी अकॉर्डिंग चलते हैं, यानी कि 1 को छोड़ते तो हैं जब 1 छोटा अमाउंट होता है तो, परंतु यहाँ पे जो है वो x22 -2 वाली कंडीशन हो रही है, तो वहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि ये बिगाड़ लें तो अगले वाला भी बिगड़ जा रहा था। हाँ, अब करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आती है बात इसके लिए, यानी कि सेल 23 के लिए। अमाउंट 2 आ चुका है, यहाँ पे 6 एंड 4 है, 6 एंड 4 है, तो 6 माइनस का 2 इक्वल टू 2 होगा एंड 4 माइनस का 2 इक्वल टू भी 2 होगा। ना ना ना, 6 माइनस का 2 तो 4 होता है ना, तो यहाँ पे मिनिमाइज यानी कि 4 लिया जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 सेल कौन से 23 के लिए, यानी कि x23 इक्वल टू होगा 2, तो उसका जो अमाउंट होगा अमाउंट टेकिंग अमाउंट ऑफ सेल 23 इक्वल टू 2, यानी कि यहाँ पे जो क्या था 12 और ये 2। चलो एक और बचा, लास्ट बचा है, तब जाना है हमको सेल कौन सी में, 33 में, ठीक है। तो ये केवल फिगर में करके बताया जाता है किस तरह से हो रहा है, और कॉपी पे समझ सकते हैं ये। इसके लिए 15 अमाउंट 5 7 है एंड 4 है, तो लास्ट वाला जो कॉर्नर मतलब लास्ट में एलिमेंट आ चुका है, जब लास्ट में एलिमेंट आ जाता है तो 33, हाँ 33 बन जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे अगर 33 बनेगा तो 34 भी तो बन सकता है, दो दो हो सकते हैं मैक्स रो में, या दो हो गए, या दो कॉलम में हो गए, या दो हो गए, तो इसमें एक बन जाएगा, तो एक यहाँ भी बन सकता है, सेल 34 भी बन सकता है, सेल 34 कॉर्नर वाला 34 है, ठीक है, कॉर्नर वाला 34 रहेगा। और उसके लिए कॉर्नर पे तो मिनिमम लिया ही जाएगा, वो तो जानते हैं आसानी से। इसमें आपको पहले अमाउंट कितना था, 2 था,
ठीक है, और यहाँ पे फोर है और सेवन है, सेवन माइनस इक्वल टू फाइव एंड फोर माइनस टू इक्वल टू टू, तो मिनिमाइज लिया जाता है, यानी कि फोर सेल थ्री थ्री के लिए, यानी कि एक्स थ्री थ्री इक्वल टू टू हो जाएगा, उसके लिए जो अमाउंट होगा इसको कहते हैं मैक्सिमम अमाउंट। लिया तो मिनिमम जाता है पर बोला मैक्सिमम जाता है। कुछ लोग यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो कि मिनिमम निकाल रहे हैं, छोटा वाला ले रहे हैं, बोल रहे हैं मैक्सिमम, यानी कि जो मिनिमम कंडीशन आती है, मिनिमम कॉस्ट जो आती है, वो को मैक्स फिर लिखा जाता है, मैक्सिमम अमाउंट इतना बन रहा है। तो ये बना है 15 एंड 2, क्लियर है? ठीक है, अब बात आती है लास्ट वाला, एक और बन सकता है ना, ध्यान नहीं दिए थे, ये बन जाएगा ये वाला सेल 3 4। 3 4 में तो कुछ करना ही नहीं है, वो कौन सी होगी, सेल 3 4 होगी, क्योंकि अमाउंट कुछ रिप्लेसिंग करना नहीं, लास्ट वाली है, मिनिमाइज देखना है, 7 एंड 5 है तो छोटा होगा, यानी 5 है, 5 आ जाएगा भाई, 12 यहाँ पे 5, ठीक है, वहाँ पे जो है सब्ट्रैक्टिंग वगैरह लास्ट वाली में नहीं होता, एक तो इस कॉर्नर वाली में नहीं होता और एक इसमें जो लास्ट वाली होती है उसमें बस मिनिमाइज लिया जाता है, ठीक है। एंड फोर सेल 3 4 के लिए, 3 4 के लिए, यानी एक्स 3 4, यानी मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्स 3 4 इक्वल टू हो जाएगा 5, ठीक है। बुक में जो क्वेश्चन दिया है वहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 रखा है, परंतु उसको अगर हम ले रहे थे, वन को नहीं घटा रहे थे, तो अगली वाली सारी कंडीशन बिगड़ जा रही थी, यानी कि होगा यहाँ पे उनका मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। बाकी तो रूल के अकॉर्डिंग चल ही रहा है, ठीक है। अब बात आती है कि टोटल कॉस्ट क्या बनेगा, 2 इंटू 3, 2 इंटू 13 प्लस का 1 इंटू 11, ये गुणा लिख लो अगर इंटू नहीं समझ में आ रहा, तो 2 इंटू 14 प्लस का 2 इंटू 15 प्लस का 5 इंटू 12, ये हो जाएगा 13 दूनी 26 प्लस का 11, 14 दूनी 28 प्लस का 12 दूनी 24, 15 दूनी 30 प्लस का 12 पंजे 60। इसको ऐड कर दें, ऐड करने के बाद जो आ जाएगा वो आ जाता है टोटल कॉस्ट, यानी कि कितना उसमें टोटल कॉस्ट लगा, कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट होगा या ज़रूरत पड़ेगा।